Hello friends, this is Mansi from evidyati.in coming to question number 4, exercise 8.2. So now, आपको इसमें find करना है, A part है 15% of 250. सबसे पहले तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. जैसे कि, अगर मैं आपको बोलूं 50% of 1000 is 50% of 1000. अब इसका बहुत अच्छा example है, जब हम market जाते हैं, let's suppose आप कुछ purchase कर रहे हो, एंड उसका प्राइस है 1000 रुपीज, लेकिन आपको उसमें 50% ऑफ मिल रहा है, मतलब उसमें 50% कम हो रहा है. तो ये 50% होगा कितना, वो हम यहाँ पे फाइंड करें. सो 1000 का 50% होगा, 50% मतलब होता है 100%, मतलब फुल. 50% मतलब हाफ. तो 1000 का हाफ क्या हो जाएगा, इट विल बी 500. सो मींस 50% ऑफ 1000 इज 500. लेकिन अभी 50% तो हो गया कि आप जो भी नंबर होगा उसका हाफ कर दोगे, बाकी अभी 15% है, 1% है. सो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेट्स सी. नाउ ए पार्ट में आपके पास है 15% ऑफ 250. सो 15% को वी राइट इट एज 15 अपॉन 100. 15% को हम लिखेंगे 15 अपॉन 100, एंड देन ऑफ इज मल्टीप्लाई 250. इसको 250 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जीरो से जीरो कैंसिल. हम इसको आगे फर्दर कट कर सकते हैं, दिस विल कम एज 2, दिस विल बी 5. देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल कम एज 5 5 25, एंड दिस विल 5 6 75 अपॉन 2. अगेन आपके पास आया 75 अपॉन 2, सो लेट्स डिवाइड इट. 2 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 3 6, दिस विल कम एज 15 7 14 point, तो हमारे पास आ जाएगा 37.5. ठीक है, सो दिस मीन्स 250 का 15% कितना होगा, 37.5. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट. अब अगेन बी पार्ट में आपको निकालना है 1% ऑफ 1 आवर, 1 आवर का 1%, मतलब कि 1 घंटे का अगर आप 1% निकालोगे तो वो कितना होगा. पहली बात तो अगर 1 घंटा है, उसके अंदर का हम कुछ भी निकालेंगे तो वो आवर्स में नहीं आएगा, या तो वो मिनट्स में होगा या सेकंड्स में होगा. सी, अगर मैं यहाँ पे करूं 1% ऑफ 1, सो दिस विल बी 1 अपॉन 100, एंड इट विल कम एज 0.01, राइट. सो हमें ऐसे नहीं निकालना 0.01. सो हम क्या कर सकते हैं, इस आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं. सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, राइट. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, राइट. अगेन ये नंबर तो अभी भी बड़ा है, दिस विल कम एज अगेन समथिंग विल कम इन पॉइंट. सो दिस मीन्स कि मिनट्स में भी कोई एक्यूरेट वो नहीं आएगा. सो नाउ वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, मीन्स 1% ऑफ 1 आवर सेकेंड्स में आएगा. सो हम कैसे लिखेंगे इसको, ना वी राइट इट एज 1% विल बी रिटन एज 1 अपॉन 100 ऑफ 1 आवर, 60 इंटू 60 विल बी 360, 60 इंटू 60 विल बी 3600, विच इज 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड. सो आप इसको 3600 भी लिख सकते हो, और यू कैन जस्ट राइट इट एज 60 इंटू 60. आप देखो हम यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, दिस विल कम एज 36. अभी हमने करा किसमें है, सेकेंड्स में, राइट. सो 1% ऑफ 1 आवर, अगर 1 घंटे का सिर्फ 1% चाहिए, सो दैट इज ओनली 36 सेकेंड्स, राइट. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. सी पार्ट में आपके पास है 20% ऑफ रुपीज 2500. अगेन 20% को हम लिखेंगे 20 अपॉन 100 इंटू 2500. सो 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे. अब आपके पास बचा 25 इंटू 20. सो 25 इंटू 2 इज 50, एंड यू हैव 1 0. सो दिस मीन्स 20% ऑफ 2500 इज 500. ठीक है,
Now let's come to the last part. D part में आपके पास है 75% of 1 kg. अब 1 kg के अंदर का निकाल रहे हैं, मतलब 1 kg में 70% निकाल रहे हैं. तो 1 kg से अगर हल्का सा भी नीचे जाएंगे तो वो ग्राम्स में हो जाएगा. तो हम इसको पहले ही ग्राम्स में लिख लेंगे, ठीक है. So this will come as 75% of 1 kg is 1000 gram. So we'll write it as 1000, ठीक है. But you have to remember, अगर आप यहाँ पे 1000 लिख रहे हो, so answer grams में लिखना, उसको kg में लिख दोगे तो वो wrong हो जाएगा, right? Now zero से zero का answer कर देंगे, this will come as 750 grams, ठीक है. So 75% of 1 kg is 750 grams, fine. So this was question number 4. Now let's come to the next question.